भारत ए टीम इन दिनों वेस्टइंडीज के दौरे पर है। भारत ए के खिलाफ 5 मैचों की अनाधिकारिक वनडे सीरीज को भारत ए ने 4-1 से अपने नाम कर लिया है। भारत ने आखिरी वनडे मैच 8 विकेट से जीता और इसके साथ ही सीरीज पर कब्जा कर लिया। आखिरी मैच में 69 रनों की पारी खेलने वाले शुभमन गिल को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया है। शुभमन गिल को हालांकि वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में जगह नहीं मिली, लेकिन फैंस का मानना है कि ये क्रिकेटर 2023 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने उतरेगा। भारत ए से मनीष पांडे, कुणाल पांड्या, दीपक चहर, राहुल चहर, श्रेयस अय्यर, नवदीप सैनी और खलील अहमद को भारतीय टीम में जगह मिली है। सबको इस बात पर आश्चर्य है कि शुभमन गिल को टीम इंडिया में जगह क्यों नहीं मिली। शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज ए के खिलाफ 4 मैचों में 69, 77, 62 और 10 रनों की पारी खेली। इससे पहले श्रीलंका ए के खिलाफ उन्होंने नॉट आउट 109 रन बनाए थे। आखिरी वनडे में वेस्टइंडीज ए ने 47.4 ओवर में सारे विकेट गंवाकर 236 रन बनाए। जवाब में भारत ए ने 33 ओवर में महज 2 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने 99 और श्रेयस अय्यर ने नॉट आउट 61 रन की पारी खेली। शुभमन ने 40 गेंदों पर 8 चौके और 3 छक्कों की मदद से 69 रन बनाए। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे क्रिकेट केसरी। अगर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर आप ये वीडियो हमारी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। करण खुराना, पंजाब केसरी, दिल्ली।